एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। तो भाई आप लोग मुझसे काफ़ी सालों का बहुत मुझसे कमेंट्स आता है या क्लास टेंथ के लिए जो ओशवार कुलकुल की तरफ से ऑल इन वन गाइड बुक रिलीज किया गया, इसके बारे में बताइए। इसमें किस तरह के फीचर दिए गए, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू कीजिए। तो भाई आज की इस वीडियो में इस बुक का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। तो अभी तक आप स्टडी विद तिवारी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर देना। आपको पता है कि अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोज लाते रहते हैं। मेरे आपको बता दें कि ये बुक आपके 25 के लिए रिलीज किया गया है एंड इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज कर लेना। आपको काफ़ी लोएस्ट प्राइस में भी आपको ये बुक देखने को मिल जाएगा एंड धीरे धीरे तो इस बुक का प्राइस काफ़ी हाई होने वाला है। एंड आप लोगों को क्लास टेंथ का हाफ ईयरली का मैं क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर प्रोवाइड कराया हूँ, तो आप लोग जाकर चैनल पर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो एंड उसका PDF भी मैं प्रोवाइड चैनल पर किया हूँ, तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो भाई चलिए बेसिकली इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो आपको इस बुक में कौन कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर देखने को मिलते हैं वो बता देते हैं। तो आपको इसमें इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपको इस बुक में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये इंग्लिश का है जो कि पेज नंबर के साथ दिया गया है, फिर यहाँ पे हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। आपको इसमें आते हैं कि इसमें जो साइंस का बुक, साइंस का जो चैप्टर दिए गए, उस साइंस के चैप्टर्स में वो किस तरह के फीचर दिए गए, जिस तरह के फीचर आपको साइंस के बुक में दिए गए हैं, मतलब साइंस के चैप्टर्स में दिए गए हैं, उस तरह के फीचर आपको सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट में दिए गए हैं। तो आपको साइंस के बुक के साथ कंटिन्यू करते हैं 43। तो कल चलिए 543 पेज पर चलते हैं, आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू करके दिखाते हैं साइंस का। सो जैसे कि आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आपका साइंस का स्टार्ट होता है जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर जो भी आपको बोर्ड में आ रहा है सारे चैप्टर्स दिए गए, उसके वेटेज दिए गए एंड यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी दिया गया है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। तो इस चैप्टर में जिस तरह के फीचर दिए गए हैं इस बुक में सारे चैप्टर्स में इसी तरह के फीचर्स आप लोगों के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आप लोग यहाँ पे जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में आप देखो। सबसे पहले MCQ टाइप क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखो तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है जो कि आपको पता है कि आपको बोर्ड में काफ़ी सारे MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है एंड उसका सोल्यूशन भी दिया गया है, साथ ही में नीचे आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पे मार्क कर दिया गया है। फिर आपको क्या पे मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, फिर फिलिंग ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया गया है एंड फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया गया जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स तक का आता है एंड इसका भी सॉल्यूशंस उसके नीचे ही लिखा गया जो कि आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे टॉपर्स का आंसर की अटैच कर दिया गया है, 2023 में जो टॉपर्स है जो इस क्वेश्चन का आंसर जिस तरह से लिखे थे उस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। तो ये सारा आपके MCQ टाइप क्वेश्चन है एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड यहाँ पे देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 दिया गया जो कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है जो कि आप लोग देखे। तो इसे मोस्टली आपको PYQ एंड NCERT एग्जाम्पलर एंड NCERT टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं ताकि आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सको। फिर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया जो कि आप लोग देखे, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी भी हाई कर सकते हो, आपको वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तक आपको देखने को मिलता है तो क्वालिटी सेक्शन में जाकर हाई कर सकते हो। एंड फिर आपको यहाँ पता है कि एसर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड में आने लगे हैं, तो वहाँ पे एसर्शन रीजन क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। फिर आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जैसे क्रिएटिव बेस्ड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आता है वो भी यहाँ पे डाल दिया गया है, मतलब एक बुक में यहाँ पे देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ डाल दिया गया, आपको एक बुक से क्या ही चाहिए होता है। एंड सबका सॉल्यूशंस भी आप लोग यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है एसिड बेस आंसर, इसका ये था आपको फर्स्ट चैप्टर था उसमें आप लोग 100 to 150 क्वेश्चंस दिया गया है एंड उसी के बाद यहाँ से डायरेक्ट MCQ क्वेश्चंस। फिर आपका सेकंड चैप्टर जो एसिड बेस आंसर थे वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो गया एंड जिस तरह का फीचर आपको फर्स्ट चैप्टर में था उसी तरह का फीचर्स आपको सेकंड चैप्टर में एंड उसी तरह का फीचर आपको थर्ड चैप्टर में एंड उसी तरह का फीचर्स आपको सारे चैप्टर्स में दिया गया है। तो आप लोग इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर लो। आप एक बुक से मतलब मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का सब उसका तैयारी कर सकते हो, तो आपको और क्या ही चाहिए। देख सकते हो कि हिंदी का यहाँ पे है, यहाँ पे इससे लेटर राइटिंग मतलब जितने कुछ सिलेबस आपका दिया गया है सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग से डिज़ाइन किया गया है, आपके सारे चैप्टर्स इसमें कवर किए गए हैं। तो ये ओशवार ग्रुप की तरफ से बुक आता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एंड काफ़ी सारे फीचर्स इस बुक में डाले गए हैं। डेफिनेटली आप लोग इस बुक को परचेज कर लेना एंड आप इसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो ताकि आप लोग अपने बोर्ड एंड प्री बोर्ड में काफ़ी अच्छे स्कोर कर सको। डेफिनेटली ये बुक तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ये हर साल ओशवार ग्रुप को रिलीज करता है एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट परचेज करते हैं एंड प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे कर लेते हैं। तो भाई चलिए मिलते हैं कि शॉर्ट में शॉर्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बताना नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पे कौन से बुक का रिव्यू चाहिए। We'll be right back.